क्या चीज है और उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए अब हम ये वाला जो है एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर Fe है, यहाँ पर प्लस में H2O है, यहाँ गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर Fe जो कि आयरन है उसका एक एटम है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पर Fe के आयरन के जो है थ्री एटम्स है। तो यहीं पर हमें पता चल गया कि ये जो है आपका, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट्स में जो एटम्स हैं उनका जो नंबर है वो आपका प्रोडक्ट वाले जो साइड पर जो एटम्स हैं उसके इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। अब देखिए एक और एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट वाली साइड पर आपका उसका जो है वन एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पर ऑक्सीजन के जो है फोर एटम्स प्रेजेंट है। तो ये भी आपका जो है, इट मीन्स जो आपका आयरन और ऑक्सीजन है वो आपका जो है रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है वो आपका जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में जो है प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइम अब हम इस इक्वेशन को हम जो है केमिकल इक्वेशन को हम जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बैलेंसिंग के जो है कुछ स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर वन, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपने जो है आपको जैसे वहां पर Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, आपको वहां पर जो है ये जो है वहां पर पीछे जो है आपको एक केमिकल इक्वेशन दी हुई थी, आपने जो जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं उसके अराउंड जो है आपने जो है बॉक्सेस लगा लेने हैं। फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, जो जो आपको जो है फार्मूले आपको गिवन है उनके अराउंड जो है आपने जो है बॉक्सेस जो है ड्रा कर लेने हैं। फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, आपने जो है बॉक्सेस ड्रा कर लिए उन केमिकल सिंबल्स के अराउंड, उन केमिकल फार्मूलेस के अराउंड जो है आपने जो है बॉक्सेस ड्रा कर लेने हैं। अब जो मेन जो स्टेप है, स्टेप नंबर सेकेंड, अब ये स्टेप नंबर सेकेंड हमें क्या कहता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपने जो है जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जो आपके रिएक्टेंट वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको लिस्ट करना है, और ऐसे ही आपने जो है राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट वाले जो एटम्स हैं उनको जो है लिस्ट करना है। तो आपने वैसे ही एक टेबल बना लिया, उसमें एलिमेंट लिख लिए, एलिमेंट में देखिए आपके, अब देखिए इस केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो आयरन आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक ऑक्सीजन आ रहा है, आपके तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपने एलिमेंट के जो आपने जो है नीचे जो है अपने एलिमेंट वाले में जो है आपने आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है आपने लिख लिया। अब देखिए आपने जो है रिएक्टेंट वाली साइड पे जो है अब उनकी जो है काउंटिंग करनी है। आयरन के देखिए वन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर टू एटम्स प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट वाली साइड पे, और ऑक्सीजन के आपके जो है वन एटम प्रेजेंट है। ऐसे ही अब आपने जो है राइट हैंड साइड पर जो है आपने जो है इनकी जो है काउंटिंग करनी है। देखिए आयरन के जो है आपके जो है थ्री एटम्स प्रेजेंट है राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे, हाइड्रोजन के आपके जो है टू एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के आपके जो है वो फोर एटम्स प्रेजेंट है। आपने जो है काउंटिंग कर ली, लिस्ट कर लिया उन नंबर ऑफ एटम्स को ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब आपने क्या करना है स्टेप नंबर थर्ड में, आपने जब बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, अब आप, इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपने उस ये जो केमिकल इक्वेशन आपको जो दी हुई है, आपने इस केमिकल इक्वेशन में उस कंपाउंड से स्टार्ट करना है जिसमें आपके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। अब वो हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पर आपका आयरन जो है Fe जो है आपका अकेला है, यहाँ पर H2O दो हाइड्रोजन के हैं एक ऑक्सीजन का है, यहाँ पर टोटल जो है थ्री एटम्स है। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पर आपका जो है Fe3O4 तीन आयरन के और चार ऑक्सीजन के, यहाँ पर जो है सेवन एटम्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। यहाँ पर आपके जो है हाइड्रोजन के दो एटम्स जो है टू एटम्स जो है प्रेजेंट है। तो इन चारों में
आपके जो है किस में आपके जो है सबसे ज़्यादा जो है एटम्स प्रेजेंट है। ऑब्वियस है वो Fe3O4 में आपके जो है 7 एटम्स जो है सबसे ज़्यादा एटम्स जो है Fe3O4 में प्रेजेंट है। तो आपने उस कंपाउंड को आपने पिक करना है केमिकल इक्वेशन में से जिस कंपाउंड में आपके जो है सबसे ज़्यादा जो है एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब हमारे जो है इस केमिकल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा एटम्स जो है वो Fe3O4 में आ रहे थे, तो हमने जो है इसको जो है पिक किया। टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट में भी हो सकता है ऐसा वाला कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो, और प्रोडक्ट में भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट वाली साइड पर होगा या फिर प्रोडक्ट वाली साइड पर होगा। ये एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हो वो आपका जो है किसी भी साइड पर, रिएक्टेंट वाली साइड पर भी आ सकता है, प्रोडक्ट वाली साइड पर भी आ सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब इस कंपाउंड में भी आपने जो है वो एटम को आपने जो है पिक करना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वहाँ पर जो है आपका जो है नंबर है वहाँ पर। देखिए अब Fe3O4 हमने कंपाउंड को पिक किया, अब इसमें 3 जो है आयरन है और 4 जो है आपके जो है ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है आपका जो है वो 4 है, तो उसका जो है मैक्सिमम नंबर जो है आ रहा है इन कंपेरिजन टू आयरन। आयरन का आपका जो है 3 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के आपके जो है 4 नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट है। तो आपने एक तो सबसे पहले जब ये देखना है कि जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं पहले तो उसको पिक करना है, फिर उस कंपाउंड में भी कौन सा एलिमेंट ज़्यादा नंबर में आ रहा है, किस एलिमेंट के जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है आ रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर, आपने उस एलिमेंट को सबसे पहले जो है पिक करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स आ रहे हैं जो कि आयरन जिसके कि 3 एटम्स है उससे ज़्यादा है एक, तो हम ऑक्सीजन को जो है पिक करते हैं। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। Fe3O4 जो है हमारा जो है वो कंपाउंड हो गया एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जो है वो एलिमेंट हो गया जिसके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के जो है वो 4 एटम्स जो है वहाँ पर जो है आ रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर Fe3O4 के अंदर ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के, हमें ये तो पता है कि राइट हैंड साइड पर जो है इस कंपाउंड में जो है 4 एटम्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, बट लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम चेक करें तो कितने एटम्स हैं, सिर्फ 1। तो ऑक्सीजन के लिए भी हम जो है अपना जो है एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम लिखेंगे कि इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल कि शुरू में कितने हैं, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और बाद में जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब हमने क्या करना है देखते हैं। देखिए जब हमने Fe3O4 लिया तो प्रोडक्ट वाली साइड पर हमारे पास जो है इसमें ऑक्सीजन जो है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है इनिशियल में जो है 4 है प्रोडक्ट वाली साइड पर, तो और जो रिएक्टेंट वाली साइड पर हमारे पास जो है 1 है, 1 इन H2O एंड 4 इन Fe3O4। अब हमें बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस के लिए क्या करेंगे, अगर इस साइड पे 4 है, इस साइड पे 1 है, तो अगर ये वाली साइड पर जो जिस साइड पर 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड पे। तो हमने जो है 1 वाली साइड पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस। ठीक है चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो है आपने आयरन एंड आपका जो है ऑक्सीजन, तो आपका जो है वो बैलेंस हो गया है। अब देखिए आपका ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद आपने उसको लिखना कैसे है, जो आपने ये 4 मल्टीप्लाई किया आप कैसे लिखेंगे इसको। देखिए आपने ये जो 4 से मल्टीप्लाई किया है वो आपने रिएक्टेंट वाली साइड पे किया है, इट मीन्स जो आपका यहाँ पर जो H2O है आप जो है यहाँ पर जो है उसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको लिखेंगे कैसे ये देखिए, अभी Fe प्लस H2O और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर आपने, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर पहले ही ऑक्सीजन जो है 4 थे यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे, आपको रिएक्टेंट में उसको जो है बैलेंस करना था, तो रिएक्टेंट वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने जो है जिस मॉलिक्यूल के अंदर वो आपका ऑक्सीजन आ रहा है H2O, इस कंपाउंड इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आपका जो है ऑक्सीजन आ रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड को आपने जो है 4 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखते हैं हम, तो उसके बाद जो है आपके पास जो है आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब देखिए आपने जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, बट अब देखिए जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया उस ऑक्सीजन के 4 एटम्स बनाए आपने, तो साथ में हाइड्रोजन के 8 एटम्स बन गए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका जो है पहले ही जो है नीचे जो है हाइड्रोजन के जो है 2 है H2 है,
और साथ में फोर जो है मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के एट एटम्स हो गए, तो हाइड्रोजन के एट एटम्स हो गए रिएक्टेंट वाली साइड पे, बट प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन के जो है सिर्फ दो एटम्स है। तो आपका जो है एक तो हाइड्रोजन जो है अभी अनबैलेंस है, और एक आपका आयरन, क्योंकि आयरन जो है रिएक्टेंट वाली साइड पे आपके जो है सिर्फ एक ही एटम है, और प्रोडक्ट वाली साइड पर आपका जो है आयरन के जो है थ्री एटम्स है। तो आपके आयरन और हाइड्रोजन एटम्स ये भी आपके जो है बैलेंस नहीं है। तो आयरन और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, आप इनमें से किसी एक को जो है पिक कर लीजिए। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, आयरन और हाइड्रोजन में से आप किसी एक को जो है आप जो है किसी भी एक को जो है आप जो है पिक कर सकते हैं। तो लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ये अभी जो आपकी इक्वेशन बनी है जब आपने H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, O को जो है ऑक्सीजन को जो है बैलेंस करने के लिए, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को अभी हम जो है कहेंगे पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। पार्टली का मतलब ये होता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है बैलेंस, बट अभी प्रोसेस में है, मतलब हो का मतलब जो है अभी बैलेंसिंग जो है अभी हो अभी जो कंप्लीट होनी है अभी बीच में है बैलेंसिंग, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है इसकी बैलेंसिंग। तो आप इसको जो है पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन भी जो है आप जो है लिख सकते हैं साथ में। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, तो वैसे ही जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किया था सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, टेबल बनाएंगे उसमें इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर जो है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। इनिशियल पर जो है हमारे पास जो है देखिए यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स में 8 है, तो हमने लिख लिया 8 इन 4H2O, और प्रोडक्ट्स वाली साइड पर हमारे पास जो है 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो वो भी हमने जो है लिख लिया यहाँ पर 2 इन H2। अब देखिए हमें बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आपका 2 है, अगर हम 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बैलेंस हो जाएगा। साफ हमें पता चल रहा है कि क्लियरली कि अगर हम 2 को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो है दोनों साइड पर जो है आपका जो है 8 हो जाएगा। तो आपने जो है ये वाली आपने जो इक्वेशन थी आपकी Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2, ये वाली साइड पर आपने जो है 4 से H2 वाले जो मॉलिक्यूल था आपका उसको जो है आपने जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो H2 था आपका आपने जो है ये प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है आपने इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन के एटम्स जो है दोनों साइड पर जो है आपके जो है 8 जो है हो जाए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए आपका जो हाइड्रोजन है वो दोनों साइड पर जो है आपका जो है रिएक्टेंट साइड पर भी आप पर भी जो है एटम्स हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो जो है आपके 8 हैं। देखिए अब जो है हमारे पास हाइड्रोजन भी जो है बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी जो है बैलेंस हो चुका है, अब हमारे पास रह गया है आयरन। तो अब जो है आयरन के लिए भी हम सेम जो है प्रोसीजर फॉलो करेंगे, टेबल बनाएंगे अब हम आयरन के लिए, और इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स और एटम्स ऑफ आयरन जो है लिखेंगे। इनिशियल यहाँ पे हम जो है लिख लेंगे, और यहाँ पर देखते हैं इनिशियल में हमारे पास देखिए हमारे पास जो है अब रिएक्टेंट वाली साइड पे जो है हमारे पास आयरन के जो है सिर्फ 1 एटम है, और जो प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास आयरन के जो है वो 3 एटम्स हैं। Fe3O4 में आयरन के जो है 3 एटम्स हैं, और Fe जो कि रिएक्टेंट वाली साइड पर है उस पर वहाँ पर जो है सिर्फ उसका जो है 1 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो सिंपल सी बात है 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड पर जो है बैलेंसिंग हो जाएगी। तो इनिशियल स्टेज पर 1 और 3 था, बैलेंस करने के लिए हमने 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 3 जो है दोनों साइड्स पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है दोनों साइड जो है 3 हो गया, तो आपका जो है आयरन जो है बैलेंस हो गया। अब देखिए आपके पास ये जो है आपकी केमिकल इक्वेशन बनी है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, बट जो है आप जो है देखिए यहाँ पर 3 Fe को जो है हमने जो है 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब जो है आप जो है काउंट करके देखिए नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड्स पर, आपको जो है वो जो है बैलेंस मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पर 3 Fe है, आयरन के जो है 3 एटम्स हैं, यहाँ पर भी आयरन के जो है 3 एटम्स हैं। 4H2O हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के जो है 8 एटम्स हैं। 4O यहाँ पर जो है रिएक्टेंट वाली साइड पर, तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और यहाँ पर भी जो है O4 आपके जो है ऑक्सीजन के जो है 4 एटम्स हैं। आपके तीनों एलिमेंट्स आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपके जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। तो अभी ये आपकी जो है केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड।
ये अभी जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस हो चुकी है, और ये जो मेथड हमने यूज़ किया है इस मेथड को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि हम इसमें जो है ट्रायल्स जो है करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशेंट। देखिए हमने जो ये अभी ऊपर वाले, जैसे हम अभी ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ इनिशियल में जो है वन एटम था आयरन का, यहाँ पर थ्री था, तो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशेंट, होल नंबर्स होते हैं आपके जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होके ज़ीरो वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी तक जो है ये जाते हैं, तो आपने जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशेंट के साथ जो है आपने जो है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर थ्री जो है आपका जो है वो होल नंबर है, तो आपने जो है जैसे देखा कि यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे जो है तीन आइटम्स हैं आयरन के, तो आपने बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर जो है आयरन के साथ जो है जो कि रिएक्टेंट में आपका जो है वन आइटम था उसके साथ जो है होल नंबर कोफिशेंट जो है थ्री जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हम जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए, तो इस तरह से हम ट्रायल्स करके देखते हैं, तो इस करके हम इस मेथड को जो है हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड जो है कहते हैं।